लाइफ में वही काम करना चाहिए जो आपको कुछ फ़ायदा दे सके। पढ़ाई आज के टाइम पे यूजलेस चीज़ हो चुकी है। हमारे देश की हालत ये है कि 1 करोड़ लोग ग्रुप डी की नौकरी के लिए जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। कितनी शर्म की बात है। किस लिए गवर्नमेंट ने ग्रेजुएट कराया सबको? इतने दिनों से क्यों पढ़वाया? 10th करवाया, 12th करवाया, ग्रेजुएशन करवा दिया। क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का जब ग्रेजुएशन करने के बाद और मास्टर्स करने के बाद, IIT करने के बाद और ये सब पॉलिटेक्निक करने के बाद बच्चे हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके, 1-2 लाख 3 लाख तो जरूरी खर्च हो जाता है, फिर भी दौड़ रहे हैं गवर्नमेंट ग्रुप डी की नौकरी के लिए। बहुत बेकार एजुकेशन सिस्टम है ये, होना नहीं चाहिए था ऐसा, घटिया। गाँव के गवार, पहले गाँव पे लिखना सीखो। हम गांव के ही गवार हैं तभी ऐसे हैं। शहर वाले अच्छा होते तो आंखों पे चश्मा होता, डायबिटीज होता, हाइपरटेंशन होता, ब्लड प्रेशर होता और नली और नाले के बदबुओं के बीच में रह रहे होते, समझे? हम गांव के ही लोग हैं। आए वी डोंट योर ज्ञान। बाप रे बाप, इमरान अहमद चरण स्पर्श है आपको वी डोंट प्रभु, योर ज्ञान, आप चरण कहना क्या स्पर्श चाहते है। हैं, आप हिंदी इतनी इंग्लिश हाई बोल लेवल की रहे इंग्लिश कौन सी भाषा है ये? हैं। अल्फाबेट्स इंग्लिश के यूज करके आपने जो लिखा है, बांग्लादेशी होगा शायद। ए बांग्लादेशी का है बोल रहे हो? नहीं हाँ स्टिफ, यू टू, थैंक यू। स्पेनिश भी हो सकता है। अरे इंग्लिश अल्फाबेट में लिखा है पता नहीं क्या, अरे वो तो हमको वही मालूम समझे। है। मतलब बेवकूफ़ी की भी हद होती है। मेरी हेल्थ सही है ऋषिकेश बरई जी। गिनी मंगल शिवम उतना ज़्यादा पढ़े ही नहीं है तो क्या बातें करेंगे आप, ये बताइए। इन लोगों ने हम अपने हमें और हमसे बड़े वाले जनरेशन को देख करके तय कर लिया कि ये लोग अभी तक गधे पड़े हुए हैं, ग्रेजुएशन कर लेने के बाद, इंजीनियरिंग कर लेने के बाद IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं। कोई जज बन रहा है, कोई मजिस्ट्रेट बन रहा है, वो भी 5-5, 6-6 साल समय बर्बाद कर लेने के बाद। इसलिए बढ़िया है कि हम ना पढ़े, नहीं तो अभी से पढ़ और ले, क्या कमाना है, कमा 8वीं 10वीं लिया। से चालू कर दो प्रिपरेशन, नहीं तो बिल्कुल भूल जाओ। गैया पाल लो, बहुत सही बिजनेस है। बकरी पाल लो ना हो तो खस्सी का बिजनेस कैसा रहेगा? सही है, 1 नंबर मछली है और क्या खस्सी, क्या तुम नाम बोला यार मतलब बकरा बकरी का मेल। कोई भी बिजनेस कर लो, बस पढ़ो नहीं अबे क्या बोल रही है, लोग कहेंगे भड़का रहे हैं हमारी जनरेशन को, कह रही मत पढ़ो। ए 12th पास करने के बाद तुमसे शादी करो जी, ये क्या है? नहीं भाई मैं शादी नहीं करूंगा, करूंगा मतलब थोड़े टाइम बाद, 2-3 महीने बाद। विजय झाड़े, अच्छा कोविड, कोविड के बारे में मैं कुछ दिन पहले ही इंडिकेशन दे चुकी थी। आप लोग अभी तक देख रहे हो कि चौथा वायरस भी आ ही गया है, दो और आने बाकी है। सतर्क रहना, क्या स्थिति होगी पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने जिस रिपोर्ट की बात करी थी और जो रिपोर्ट मैं देखी थी ऑफिशियली, मैं इतना जानती हूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन में पकड़ाया है वो टोटल नंबर 6 है। 6 टाइप के डिफरेंट वायरस छोड़े जा चुके हैं पब्लिक के बीच में। कैन आई ड्रॉ आप दिस लोग बहुत, शिवम मतलब ऑफ आप कोर्स लोग यू नहीं, कैन मैं बट ये कहूँगी कि भारत की जनता बड़े आसानी से गवर्नमेंट के ऊपर उंगली उठा देती है कि मोदी ये है वो है वो है। जहाँ उठाना है एजुकेशन सिस्टम पे उठाओ, जहाँ फंक्शन फेलियर है गवर्नमेंट की वहाँ उठाओ, वहाँ नहीं जहाँ गवर्नमेंट की नहीं है। देश में कितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं अभी तक, कांग्रेस काल में कितने होते थे, कितनी ट्रेनें पलटती थी, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। आज अगर देश में होता है कुछ तो RDX पकड़े जाते हैं, विस्फोटक चीज़ें पकड़ी जाती हैं, हमेशा न्यूज़ आते रहता है, कहीं यहाँ पकड़ा, कभी वहाँ पकड़ा, कभी वहाँ पकड़ा। ये गवर्नमेंट की फेलियर नहीं, यही सक्सेस है और ये वर्क दिखाती है गवर्नमेंट। जबकि ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट से इन्वेस्टिगेशन का पॉजिटिव रिजल्ट आता है जहाँ पे कोई हायर अथॉरिटी में उनका कोई कमांडिंग ऑफिसर नहीं है। CBI का भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस देख लो, जबकि इनका कोई डायरेक्टर नहीं था कुछ दिनों से, तब अभी नया रिक्रूट हुए हैं गवर्नमेंट पे।